का बाप नहीं बन सकता। तो गाइज ये देख लो, भोली तरसती आंखें ढूंढ रही हैं जर्मन शेपर्ड जोई को, जो कि आई हुई है हीट के ऊपर। लेकिन कमिटमेंट नाम का शब्द नहीं है बब्जी की डिक्शनरी में। बब्जी बेवफा है। जोई जवान हो गई है हमारी। जोई हमारी जवान हो गई। जोई की शादी करा दो। बब्जी चल ले, ऊपर क्यों नहीं जा रहा? गाइज ये देखो, बीच हम बीच सीढ़ियों में खड़ा हुआ है। तेरे चक्कर में तेरे पापा खड़े हुए थे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग ऑफ नमितोलॉजी। और आज का ब्लॉग थोड़ी सी लेट शुरू हो रहा है, दोपहर को, दोपहर के खाने के साथ। तो यहाँ पे मैं मैश कर रही हूँ बच्चों के अंडे। 3 अंडे उबाल के मैंने यहाँ पे मैश कर दिए हैं। यहाँ केटल में हो रहा है पानी बॉइल और आई गेस होने वाला है। और यहाँ से मैं उठा रही हूँ चावल। चावल मैं कुकर भर के सुबह ही बना लेती हूँ और उसके बाद इनको कर देती हूँ मिक्स। और गर्म पानी के साथ मिक्स करके तड़पता भड़कता गर्म खाना जाएगा जोई, बब्जी और लेडी ऑली। तो गाइस आपको बता दें कि जोई आ गई है हीट पर और इस टाइम बब्जी का पूरा पूरा मूड है लेडी ऑली के साथ खेल कर जाने का। लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको बिल्कुल भी मिलने ना दें। तो सुबह हुआ क्या, लेडी ऑली उसको जोई को हमने रखा हुआ था नीचे और बब्जी को आ रही थी फ्रेग्रेंस। हमें लगा क्लोई के लिए रो रहा है, पर नहीं, बब्जी को पड़ी हुई है सिर्फ जोई की। जोई के चक्कर में बब्जी ऊपर नहीं जा रहा था मॉर्निंग वॉक के बाद। तो बड़ा डांट फटकार के हमने बब्जी को ऊपर भेजा कि बेटा ये बात सही नहीं है, जोई अभी बच्ची है। पर मान नहीं रहा था बब्जी। और उसकी क्लिपिंग ना आप ये देखो। तो गाइस बब्जी पता नहीं यहाँ क्यों खड़ा हो गया, मॉर्निंग वॉक के बाद आया और यहाँ ही खड़ा हो गया, ऊपर ही नहीं जा रहा। सुन, हट जा, मैं बंद करूं दरवाजा, ये अपने आप निकल जाएगा, तू जा ऊपर। बब्जी गो, बबे जा, तूने नेल कटर दे दिया टिश्यू ऊपर, दे 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 दे। बब्बे गो, गो बब्जी, बब्बे गो। क्या हो गया बब्बे? पता नहीं क्या करना खड़ा, यही देखी जा रहा है। बब्जी गो, बब्जी, बब्बो गो। गाइस देख लो, एक खूंखार रॉटवाइलर पता नहीं यहाँ सीढ़ियों में खड़े होके क्या कर रहे हैं। बब्जी चले जा, बाय बब्बे, बाय गो। मैं तो बंद कर रही हूँ दरवाजा, अब मैं बंद कर रही हूँ, क्या करता है। मैंने बंद कर लिया दरवाजा, अभी भी यही खड़ा है। ये किसके चक्रों में खड़ा है? तो राहुल को बोल दे इसको ऊपर लेके जा। रिशू पंगे मत लियो, पहले बता दूं। तू बब्जी चल ले, ऊपर क्यों नहीं जा रहा? गाइस ये देख लो, बीच हम बीच सीढ़ियों में खड़ा हुआ है, ना इधर घर में घुस रहा है ना ऊपर जा रहा है। जाओ बब्बे। इसको ना क्लोई की ना आवाजें आ रही है अंदर रोने की, ना देख लो कितना अलर्ट है ये। अपनी लड़की की वजह से खड़ा हो गया कि मेरे को अपने खून की खुशबू आ रही है। जा नीचे चल, और चले नीचे चला जा। चलो मैं बंद कर रही हूँ, बाय बब्जी। तेरा पापा खड़ा था तेरे चक्कर में क्लोई, पता है तेरे को? हाँ, तेरे चक्कर में तेरे पापा खड़े हुए थे। हाँ, तो जब आप एक मेल फीमेल का कॉम्बिनेशन रखते हो ना घर पे, स्पेशली मेल फीमेल जो दूसरी ब्रीड से हो, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। बब्जी जब लेडी ऑली की हीट आती है, मेटिंग कर लेता है, तो इट्स फाइन विद अस, ठीक है। वो उनका एक नेचुरल प्रोसेस है, वो सेम बींग के हैं। और लेडी ऑली को हमने फर्स्ट हीट में तो डेफिनेटली अलग किया था, उसके बाद हमने उसको अलग नहीं किया, शायद इस बार करेंगे, नहीं तो बब्जी न्यूटर होगा। लेकिन मैं आपको एक बात जो बता रही हूँ, बेसिकली मैं ये बता रही हूँ कि स्पेशली जब क्रॉस ब्रीड्स होते हैं, जैसे रॉटवाइलर और जर्मन शेपर्ड, मतलब वी रियली डोंट वांट दैट कॉम्बिनेशन। क्योंकि एक तो अगर वो बच्चे पैदा हो जाते हैं, तो इट विल नॉट बी वेरी इजी फॉर दोज किड्स टू बी यू नो गोइंग टू इन टू अ न्यू होम, ठीक है ना। बहुत हर कोई बंदा जो होता है वो नहीं एक्सेप्ट करता क्रॉस ब्रीडिंग के प्रोडक्ट्स या फिर क्रॉस ब्रीडिंग का बच्चा। तो बेसिकली दैट विल बी अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। एंड देन सेकेंडली, अभी जोई की फर्स्ट हीट है, वी डोंट वॉन्ट अस टू गो इन टू द प्रेगनेंसी मोड इन द फर्स्ट हीट, तो हम वो चाहते नहीं है। इसीलिए हम पूरा ध्यान रख रहे हैं कि बब्जी और जोई का आपस में कोई भी सीन ना हो जाए। और बस फिलहाल मैंने इनका खाना गर्मा गर्म ब्लेंड कर दिया, नीचे है अंडे, ऊपर से मैंने गर्म गर्म पानी डाल दिया है। आप देख लो धुएं उठ रहे हैं, मेरा हाथ भी थोड़ा थोड़ा जल रहा है। और ऐसा यही गर्म गर्म खाना हम इनको दे देंगे, ये लोग खा लेंगे और उसके बाद करेंगे आराम। तो गाइज यहाँ पे देख लो हो क्या रहा है, यहाँ पे जोई खा रही है अकेले खाना। पट्टा बांधा हुआ है दीशु ने, ताकि ना जोई यहाँ से भाग ना सके। पट्टा क्यों बांधा है दीशु? चली जाती है, उधर ना जाए। और तुम क्या डिस्कस कर, क्या से खून निकल रहा है इसकी? हाँ, वो तो इसको हीट आई हुई है ना बेटा, इसलिए निकल रहा है, ठीक है ना।
तो गाइस देख लो, हमने बब्जी को, जोई को और लेडी हॉली को सेपरेट किया है, मतलब बब्जी और लेडी हॉली एक साथ है, तो यहाँ खाना खा रहा है बब्जी, वहाँ खाना खा रही है लेडी हॉली। इनके ना बर्तन चेंज करने पड़ेंगे, वो वाले लाने पड़ेंगे जिसके नीचे ना रबड़ लगी होती है जिससे वो हिले ना। ओला हाँ, तो ओला ने अपना खा लिया और नाक पे लगा लिया, दिखा शक्ल दिखा, सारा खाना नाक पे लगा लिया इसने। और यहाँ पे खा रही है हमारी जोई मैडम अकेले, बिल्कुल बिल्कुल बीच में टाइटली पकड़ा है, क्योंकि बब्जी जो है ना गाइस झपट्टे मारने की कोशिश कर रहा है उसके ऊपर। अब बब्जी हो गया बेवफा, बब्जी बेवफा, बब्जी बेवफा, ओ बेवफा बब्जी, कितना डिसलॉयल होता है। बड़े तभी ना कुत्ता एक गाली भी दी जाती है, क्योंकि ना जो मेल डॉग्स होते हैं ना बड़े बेवफा होते हैं, किसी के सगे नहीं होते हैं, है ना। ओए बब्जी, अपनी लेडी हॉली को छोड़ के अब तू जोई के ऊपर डोरे डाल रहा है, क्योंकि तुझे जोई के बच्चों का बाप बनना है अब, है सुन नहीं रहा मेरी बात, खाने में व्यस्त है बब्जी, तुझे जोई के बच्चों का बाप बनना है, मैं बनने नहीं दूंगी तुझे जोई के बच्चों का बाप। तो गाइस देख लो, यहाँ पे सुनता 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 पहुंच रहा है ये जोई के पास, जोई वहां पे खाना खा चुकी है और जोई को कर दिया अलग। तो देख लो एज अ पेट पेरेंट हमें क्या क्या करना पड़ता है। और ओला ना बब्जी के पीछे पीछे घूम रही है कि बब्जी मुझे भाव दे ले, लेकिन मजाल है कि बब्जी भाव दे दे ओला को, बब्जी बिल्कुल भाव नहीं दे रहा ओला को, है ना ओला। अब जब तू आएगी ना हीट पे, इसको बिल्कुल भाव मत दियो, तब इसको कहियो कि तू रास्ता नाप, हम तेरे को ना अच्छा रॉटवाइलर बढ़िया वाला ला के देंगे, है जो तेरा नया हस्बैंड बनेगा, ठीक है ना। हमें नहीं चाहिए ये बब्जी, बेवफा बब्जी, सिट सिट ओला, सिट डाउन, सिट सिट, मेरी बात नहीं सुनेगी, मेरी बेइज्जती कराएगी तू, देख हर जगह तेरे चावल लगे, ये देख खा ले खा ले खा ले, ये लो मेरी उंगली पकड़ ली। बब्जी तू तो दूर हो जा, तू तो किसी का सगा नहीं है बब्जी, किसी का सगा नहीं है बब्जी। बब्जी क्या कर रहा है बब्जी को सिर्फ अब इस टाइम जोई चाहिए, क्योंकि जोई है हीट पर और बब्जी को बहुत ज्यादा पता चल रहा है सूंघ सूंघ के कि कुछ गड़बड़ है जोई के साथ, और मेरा ना गोल्डन चांस आया हुआ है। तेरा गोल्डन चांस नहीं आया हुआ है बब्जी, नहीं बन सकता तू जोई के बच्चों का बाप, तू क्या समझते है अपने आप को, पहले तू लेडी ओली के बच्चों का बाप बनेगा, फिर तू जोई के बच्चों का भी बाप बनेगा, बस तुझे जिंदगी भर बाप बनना है। और तेरे बच्चे पाले हम, ठीक है, परेशान हो गए तेरे बच्चों को खाना खिला खिला के हम, परेशान, समझ रहा है तू, हर वक्त बाप नहीं बन सकता। तो गाइज ये देख लो, भोली तरसती आंखें ढूंढ रही है जर्मन शेपर्ड जोई को, जो कि आई हुई है हीट के ऊपर, और बब्जी सिर्फ और सिर्फ जोई को ढूंढ रहा है। इसकी ओला उदास कोने में घूम रही है, ये बिल्कुल प्यार नहीं कर रहा है अपनी ओला को, और सिर्फ ढूंढ रहा है कि जोई मिल जाए। जोई नहीं मिलेगी बब्जी, जोई नहीं मिलेगी, बुरा हाल है गाइस बब्जी का, तरस खा लो बब्जी के ऊपर, बब्जी को कोई लेडी ला दो। ओला बैठ गई है कोने में, ओला कह रही है, ओला पूछ हिल रही है, ओला कह रही है बब्जी बेवफा है, ओला बब्जी बेवफा है, बता लेडी ओली बब्जी बेवफा है। बब्जी पहुंच गया ओला को मनाने, कह रहे ओला मान जा, आज के बाद किसी और औरत की आग तरफ आंख उठा के भी नहीं देखूंगा, लेकिन कमिटमेंट नाम का शब्द नहीं है बब्जी की डिक्शनरी में, बब्जी बेवफा है। बब्जी क्या है? बब्जी बेवफा है। बब्जी क्या है? बब्जी बेवफा है। बब्जी भोली आंखें बना के, कुछ नहीं होगा, मुझे पता है तू पार्क में कल जोई के ऊपर चढ़ रहा था, मेरे को सन्नी ने सब बता दिया है, सब बता दिया है मुझे, बेवफा है तू बब्जी बेवफा, सिट डाउन बब्जी, देखो बेवफा है, लेकिन ट्रेंड है बब्जी, बब्जी ने सिट डाउन बोलने पे बैठा है बब्जी, गुड बॉय बब्जी, यू आर अ गुड बॉय बब्जी, यू आर अ गुड बॉय। कौन ग्राउल करा? बब्जी ग्राउल करा, सो इट्स माई टाइम टू लीव, बाय बाय बब्जी, बाय लेडी ओली, इंजॉय करो, दरिया तो तुमने खराब कर ही दिए गाइस, ये देख लो ये नई दरी के भी चीथड़े उड़ा दिए हैं, अब सिर्फ एक ही नई दरी है ये वाली जो रह गई है ना, बब्जी बेवफा है। गाइस नोटिस करो इन दोनों के कानों में भी कितना फर्क है, बब्जी के कान देखो छोटे और लेडी ओली के कान बड़े हैं, है ना, क्लोई के कान बिल्कुल जो है ना लेडी ओली के ऊपर गए हैं बड़े बड़े। क्या हुआ बब्बे, क्या हुआ? ओला को सिर्फ बॉल से मतलब है, ओला ने मुंह में बॉल दबाई हुई है कि मैं किसी को नहीं दूंगी, ओला बॉल दे दे, ओला बॉल दे दे, बॉल दे दे, बॉल देगी नहीं देगी, ओके मत दे। क्या हुआ ओला को, क्या हुआ बब्जी, क्या हुआ, क्या हुआ बेटा, ओए होए होए इतने शरीफ मत बनो, नहीं मिलेगी तेरे को जोई, समझ में आई, तू कब भाग रही है ओले,
ओला ढूंढ रही कि क्या हो गया है, क्यों मेरे को बाहर नहीं जाने, ओला वापस आओ, ये सोच रही क्यों जोई को अलग कर रखा है। जोई समझ ले तेरा पति धोखेबाज है बेटा, उसके धोखे से बचने के लिए ना हमने जोई अलग कर दिया। तू चाहती तेरे बच्चों का जो बाप का प्यार है वो दूसरे बच्चों के बाप के साथ बच्चों के साथ बटे। बब्जी चाहता है जोई के बच्चों का बाप बनना, पर हम उसे बनने नहीं दे रहे। समझ रही मेरी बात को, समझ आ रही है तुझे? तो मैं यहाँ आई हूँ दीशु और सन्नी के रूम में, और यहाँ मैं देख रही हूँ अलग ही लेवल की ट्रेनिंग चल रही है भाई। यहाँ तो कौन सी ट्रेनिंग चल रही है? कुछ नहीं चल रही। सन्नी बन गया ट्रेनर, करके दिखा जंप कैसे करा रहा है। जोई जंप, जोई डाउन, जोई जंप, अरे आजी जोई डाउन, ये देखो। तो सन्नी तेरे साथ इंग्लिश तो जोई को समझ आती है फिर? नहीं भैया ने करा था, भैया ने सिखाया तेरे को? सही ट्राई मार रहा था। तो आजकल तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड कर रही है सोई? हाँ। है तुम्हारे कमरे में पड़ी हुई है, इसको देखो गाइस बांध के रखा हुआ है बिल्कुल अलग, ताकि ना बब्जी ना इसका फायदा ना उठा ले। नहीं उठाएगा बब्जी तेरा फायदा, हमने तेरे को बांध दिया ठीक है। अब कहाँ ब्लड है, ये ब्लड है सारा? जोई तीन चार दिन की बात है फिर तू सही हो जाएगी ठीक है बेटा। जोई जवान हो गई है हमारी, जोई हमारी जवान हो गई, जोई की शादी करा दो, है शादी करा दो जोई, तेरा पति लेकर आए। छोटी सी थी उस वक्त, है ना, छोटी सी थी, हाथ में आ जाती थी। जोई जंप कैसे करा रहा था? जोई जंप, जोई जंप, हो हमारी जोई डाउन जंप जंप, ओए होए होए सारी ट्रेनिंग आती है जोई को। गाइस देख लो रॉटवाइलर्स और जर्मन शेफर्ड में कितना फर्क है, ये लोग ट्रेनिंग को कितना अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं ना। दोई दोई किशी दोई काटी खा ले से तो गंदी, चल बाय बाय, पड़ी रहे यहाँ पे बंद के ठीक है, चल बाय। तो गाइस मैं साथ साथ ना अब उनको तो खिलाई दिया उत्तर बब्जी और लेडी ऑली और जोई को, मैं ना खोल रही हूँ ड्रूल्स का नया घट्टा। तो ये ड्रूल्स का फोकस है जो हम लोग पपी फूड में फिलहाल यूज कर रहे हैं, इकोनॉमिकल है और अच्छा है, और इनको इसकी आदत भी डल गई है। और बहुत जल्दी ना हम इसमें चावल या कुछ, जैसे आज हमने दही भी डाली थी थोड़ी सी बीच में, तो एग्स तो हम इसके साथ मैश करते ही हैं। अब धीरे धीरे ना थोड़ा सा होम फूड पे भी इनको लेकर आएंगे, तो नेक्स्ट स्टेप होगा आज से एक दो दिन में या मे बी शाम को जब भी मुझे टाइम मिलेगा और मेरे पास चावल होंगे सॉफ्ट वाले, तो मैं इनके साथ बीच में चावल भी मिक्स कर दूंगी। तो अभी मैं खोलूँ नया कट्टा, एंड आपको एक बात बता दूँ, ये कट्टा मेरा, मेरे पास इस टाइम तीन चार बच्चे, बाहुबली और कौन है बारबी क्लोई और बगीरा, बगीरा और बारबी जाने वाले हैं एक ही घर में जाना है उन्होंने, तो वो थोड़ा उनकी सेकंड वैक्सीनेशन हो जाएगी 9-in-1 बूस्टर शॉट, तो वो चले जाएंगे। तो ये कट्टा मेरा समझ लो हफ्ते से भी कम चल रहा है, एक कट्टा जो कि 1700 रुपए का। तो बस इसको अब नया कट्टा खोल रही हूँ, ये आखिरी कट्टा पड़ा था मेरे पास, तीन कट्ठे ले लिए थे, तो जब ये खत्म होगा तीन और लूंगी फिर। तो गाइस ये मैं डाल रही हूँ ड्रूल्स के अंदर गर्म पानी ताकि अच्छे से सोक कर ले। तो केटल और मिक्सी होने का ना यही फायदा है, बार बार देखो 50 बार कम से कम दिन में गर्म पानी करना पड़ता है इनके खाने के लिए, तो केटल वगैरह हो मिक्सी हो तो आपका काम आसान हो जाता है, नहीं तो गैस पे बहुत ज्यादा टाइम लगता है फिर। और थोड़े से ना एग्स भी मैंने बॉईल 3 एक्स्ट्रा कर दिए हैं, क्योंकि अब दोपहर तक का खाना तो जा चुका है, रात को 3 एग्स इनके ड्रूल्स में मैश होके जाएंगे, तो वही रह गया था रात का काम भी, ये करके जो बर्तन वाली लड़की आती है वो सारे बर्तन मान जाएगी, तो मेरा काम खत्म हो जाएगा। इतनी देर अब ड्रूल्स अपना भीगेगा और अपना सोक हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, उसके बाद मैं उसको पीसूंगी, और जितनी देर ये काम होगा और अंडे उबलेंगे मैं ले लेती हूँ फटाफट से अपने ऑफिस की एक कॉल। बब्जी की हरकतें दिखाऊं? बब्जी जब बचपन में आया था ना तो काटता था, ठीक है ये देख, अच्छा ये हुडी के उसके लिए आई थी, तो हुडी के लिए आई थी, हुडी के लिए आई थी, छोड़ सा हुडी के लिए आई थी। और हाउ वाज योर डे? यार मेरा दिन ठीक रहा यार, पैर दुख रहे हैं, बहुत ज्यादा काम कर लिया। खेल भी तो आए हो? खेलना जरूरी है मम्मी, चाहे तुम जितने मर्जी कर लो, मुझे ऐसा लगता है खेलना बहुत जरूरी है, मत करना। कल सारा तुम्हें घर अकेले संभालना है। हाँ हाँ
मैं तो जा रही हूँ ऑफिस भाई। बहुत अच्छा, माउस और वो ले आएगा कीबोर्ड। कीबोर्ड बोलना जरूरी था। कट 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 कट। तो गाइस कल मैंने जाना है ऑफिस और राहुल की हरकतें तो माशाल्लाह, जो चीज जहाँ खाता है वही छोड़ता है। तो अभी रखूंगी किचन में, किचन समेटनी है बस, रह गई है, बाकी सारे काम खत्म हो गए हैं। सुबह के चावल, चिकन और चावल रख दिए बनाने जो कल खाने हैं डॉग्स ने हमारे, और ये चावल अलग से भी वो भी बना दिए। तो राहुल को सुबह उठ के सिर्फ ड्रूल्स भिगो के देनी है बच्चों को, बाकी अंडे उबालने हैं, बाकी मैंने सारा काम कर दिया। तो आई थिंक अब इनको इतनी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, लेट्स सी। बाकी बोर हो जाएगा लड़का सारा दिन, ये तो तय है। क्यों ठीक है यार, मैं एक भी फोन नहीं आना चाहिए फिर मुझे, नहीं आएगा पक्का। गिर जाएगी क्लोई। अच्छा मुझे ये तो बता, क्या जो रख रहे हैं नहीं रख रहे? मुझे कुछ नहीं पता जो करना है भाई, सीधा जवाब बताओ, मैं अपना माइंड ही बना नहीं पा रहा हूँ। अगर क्लोई को रखना है तो बताओ, पर तू मुझे एक चीज बता, कुकर की सीढ़ी है ना परेशान, तो चिकन बन रहा है ना कल बच्चों ने, दो तीन और। मैं तो एक चीज बता, इस घर के अंदर दो लोग पहले नीचे और एक जगह नीचे नहीं रह सकते, तो फिर क्या करें? वो तुम बताओगे क्या करना है, गाइस से पूछ लो क्या करना है। यार तू बात नहीं समझी, मैं तेरे से पूछ रहा हूँ, तू घर की करनी धरनी है, हमारे बच्चों ने रहना है भाई। एक ही बेडरूम है, जो दूसरा बेडरूम है वो बेडरूम थोड़ी है बेसिकली, वो तो स्टोर रूम है। अच्छा तू एक बाप को भी लेके आ रही है, जो बाप आएगा ठीक है वो नीचे ही रहेगा, ऊपर तो रहेगा नहीं अभी निश्चित। तो फिर चुप हो जाओ यार, दिमाग मत खाओ बेटा, ये बड़ी हो जाएगी फिर तू कहेगी कि अब रहने दो, मेरी बात सुनिए, फिर दबा हो जाएंगे। जा बहन जा, तू भी जा, भेजे भेज दो भाई, फिर तो जा यार, पर इतनी सुंदर है ये, तुमने सुंदर होगी इसको ब्यूटी क्वीन बनाना है, इसको रैंप वॉक करवानी है। शी इज द ब्यूटी क्वीन। अब जो भी है अब देख लो, फैसला ले लो, ये देखो कहां चढ़ रही है शैतान लड़की। शी इज द ब्यूटी क्वीन भाई, तुम्हें पता है बब्जी बेवफा है। बब्जी तो अरे कुत्ता बेवफा होता तभी तो कुत्ता होता है भाई, बब्जी तगड़े वाला बेवफा है। क्यों ये व्लॉग ना तुम खुद एंड तक देख लेना, तुम्हें समझ आ जाएगी बब्जी क्यों कह रहा है। तो गाइस इसी के साथ राहुल करेगा इस व्लॉग को यहीं एंड। तो गाइस कमेंट्स के अंदर ना हमारी प्रॉब्लम चलती है, ये मैं सीढ़ी बनने दे रहा हूं। तो गाइस कमेंट्स के अंदर ना सच में हमारे जूतों में ना पैर डाल के देखिए, आपको पता है हमारे पास सिर्फ यही ड्रॉइंग रूम है और एक बेडरूम है और एक पीछे रूम है जो स्टोर रूम है, नॉट एप्लीकेबल है, नॉट एप्लीकेबल है। और ऊपर आपको पता है मेरा ऑफिस है और साथ में हमारे डॉग्स रहते हैं बालकनी में, कभी नीचे रहते हैं। तो आपको लगता है कि इतनी फैमिली के अंदर जब हम इतना स्ट्रगल के अंदर है तो हमें ये रखना चाहिए। बाकी गाइस ये भी बता दो no. कि बब्जी बेवफा है या बब्जी का कोई कसूर नहीं है, जोई है इतनी सुंदर, पूछ लो भाई, बब्जी बेवफा है? बब्जी कोई बेवफा नहीं, हैशटैग बब्जी बेवफा है। ओली रो रही है पता है, पूरा दिन रो रही है। क्या कर रही है? So guys, सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ब्लॉग चलता रहेगा, आप लोगों ने ना सपोर्ट नहीं किया है, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी, आपका सिर्फ एक सब्सक्राइब का बटन है, आपने से चैनल पर जाके सब्सक्राइब कर देना। अगर आप अनएडिटेड वीडियोस देखना चाहते हैं ठीक है, तो हम नमितोलॉजी फैमिली शॉर्ट्स का हमने जो चैनल बनाया वो उस पर जाइए, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट आंसर मैं आप लोगों के कॉमेंट्स में जानना चाहता हूँ, सब लोग कि आपको लगता है इस जगह के साथ हमें इसको रखना चाहिए और फिर ऊपर से बाप लेके आना चाहिए, क्योंकि अभी जोई भी है, क्योंकि टाइम तो उतना ही है, काम को भी देना, बच्चों को भी देना और इनको भी देना, इंडिविजुअली कितना टाइम हम दे पाएंगे? दिमाग से सोच के बात करना, इमोशन से मत बहना, ओनली प्रमोशन। वो तुम्हें कार्ड देगी इतने में, तो पागल है तेरे को क्या हुआ? इसको मैंने जाने की क्या बात की है, तो मेरे पीछे पड़ गई कि बापू मैं नहीं जा, तो 60 दिन की है, ज्यादा ना चौधरी मत बन मेरे सामने, ये ना समझ आ रही है, ये बब्जी को कुत्ता बनाएगी।